हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डिजीज काउस्ट बाय प्रोटोजुआ। ये वीडियो बस 2 से 3 मिनट का है, जो कि पारामेडिकल एसएससी बीएड बायोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटोजुआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो फर्स्ट डिजीज है मलेरिया। तो ये किस पैरासाइट से होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, ठीक। और बात करें तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है इससे, तो इसमें आरबीसी एंड लीवर जो है अफेक्ट होता है। और सिम्टम्स क्या होता है? तो फीवर विथ शिवरिंग। नेक्स्ट डिजीज है पायरिया, मसूरों में पीप पड़ने का रोग। तो ये किस परजीवी से होता है, किस पैरासाइट से? इंट अमीबा जिनजिवेलिस, ठीक है। और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो गम्स। और इसमें सिम्टम्स क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। नेक्स्ट डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी। ये किस परजीवी से होता है? तो ये ट्रिपैनोजोमा पैरासाइट से ये डिजीज होता है। और इसको स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ज़्यादातर ये अफ्रीका में होता है ये वाला डिजीज़। और किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? ये ब्रेन को। और कौन से मक्खी के कारण होता है? ये टेस्टिस फ्लाई। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया दस्त, ये किस परजीवी के कारण होता है, किस पैरासाइट के कारण होता है? अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण ये डायरिया होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि ये कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डायरिया जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कालाजार, ये किस पैरासाइट के कारण होता है? तो ये लेसीमानिया डोनावानी के कारण होता है। और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है? तो बोन मैरो। और किस कैरियर के कारण होता है? तो सैंड फ्लाइज। और इसमें सिम्टम्स पूछा जाए तो हाई फीवर होते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।